नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम हायाघाट प्रखंड में हैं, जो कि दरभंगा जिले में पड़ता है, और हमारे साथ है यहाँ के वर्तमान मुखिया सिंहौली पंचायत है, जो कि हायागंज प्रखंड में पड़ता है। वहाँ के वर्तमान मुखिया हैं नागेश्वर दास। बीते क्या कुछ 17 से 18 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले नागेश्वर जी, आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको भी हम चैनल को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे जैसे दिव्यांग मुखिया को आए हैं कुछ पूछने के लिए, कुछ मार्गदर्शन करने के लिए। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी पत्रकार बंधुओं को भी और पूरे बिहार के जनता को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। पहला सवाल है नागेश्वर जी, पंचायत में विकास को लेकर के आपने सबसे पहला काम क्या किया था? सबसे पहला काम जब हम जीते थे तो हमारे पास चुनौतियाँ बहुत था और हम दिव्यांग होकर के मुखिया बन गए। वहाँ दलित जाति से भी बिलोंग करते हैं तो उसमें चुनौतियाँ, हम बड़ी शौकबाज मुखिया है। आज भी मेरी पत्नी दरभंगा आई जी साहब के कार्यालय के सामने चाय बेचती है फुटपाथ पर आज भी। तो हमको शौक था कि हम अपने पंचायत को बहुत सुंदर विकास करेंगे, लेकिन जैसे ही हम चुनाव जीत करके आए तो हमारे विपक्षी गण दो दो केस हम पर कर दिए कि ये लोग अनुसूचित जाति में आते ही नहीं हैं, तो ये चुनाव जीते कैसे, ये मुखिया बने कैसे। राज्य निर्वाचन आयोग पटना में वहाँ चुनौती रहा, बार बार हम वहाँ गए, फिर दोनों केस हमारे फेवर में आ गया, परमात्मा की कृपा हुई। उसके बाद कुछ दिनों तक हमारे सभी वार्ड सदस्यों को हैंग कर लिया गया कि भाई कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग सब मिल करके हमारे वार्ड सदस्यों को हैंग कर लिए। वो लोग नहीं सहयोग कर रहे थे जिसके कारण भी पंचायत डिस्टर्ब रहा। उसके बाद हम जीते और हमको ये स्वच्छता में जो 50 गो पंचायत को जो चुना गया सिधौली में, जिसमें प्रथम फेज में हमारा पंचायत भी चुना गया, तो वो मेरे लिए चुनौती था। हमको जो विरोधी का बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है, अभी लगभग 18-19 महीने हो गए हैं लगभग, तो विरोधियों के द्वारा कहीं ना कहीं हस्तक्षेप किया जा रहा है विकास में? बहुत हस्तक्षेप हुआ है, तो उसमें खास करके हम पदाधिकारी महोदय को के चरणों में विनती किए कि कम से कम समाज में संकुचित विचार हैं या जलन वाला भावना है या लोग हमको अपाहिज जान करके हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कम से कम आप लोग तो पदाधिकारी जनता तो आपको सपोर्ट किया, जनता अच्छा खासा मत से आपको चुनाव जिताया। एक वार्ड का गांव है सिधौली पंचायत में, सिधौली हमारे पंचायत में 14 वार्ड है जिसमें मात्र एक वार्ड का ये गांव है जहां से हम मुखिया बने हैं। हमारे पास खाने का भी उपाय नहीं था, चंदा चुटकी लेकर के हम चुनाव लड़े थे। हमको जिलाधिकारी महोदय भी चंदा दिए थे, आईजी साहब भी चंदा दिए थे, डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी चंदा दिए थे और सभी पत्रकार बंधु हमको चंदा दिए थे। हम सभी पत्रकार बंधुओं का दुलरुआ कैंडिडेट रहे, हम हृदय से सभी पत्रकार बंधुओं को और सभी पदाधिकारीगण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम 23 साल वहाँ पर चाय बेचे हैं दरभंगा पुलिस महानिरीक्षक महोदय के सामने। तो सभी हमारे आहार व्यवहार को देख करके सभी लोग चंदा दिए और हमारे समाज को भी हम हृदय से प्रणाम करते हैं कि हमारे जैसे दिव्यांग जनों को, कमजोरों पर। तो पहले हम विकास की बात करेंगे, नल जल योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, क्या लगा, नल जल योजना आपके यहाँ धरातल पर है? नल जल योजना हमसे पहले चला था, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी थी कि उस समय में नया नया योजना लॉन्च किया, लोग उसको समझ नहीं पाए, जबकि ये कल्याणकारी योजना है, स्वच्छ जल लोगों को इससे मिल रहा है, काफ़ी खुशी हो रहा है। लेकिन उस समय में बहुत वैसा वार्ड है जहां अब तक पानी नहीं जा रहा है, ये दुख की बात है, क्योंकि वार्ड का क्षेत्रफल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण, थोड़ा सा पानी टंकी सही जगह पर नहीं बनने के कारण और बहुत घरों में अब तक नल जल का कनेक्शन नहीं हुआ, जिसके कारण हम इसको सुधारना चाह रहे थे, इसको हम सुधारेंगे। हम 3 पानी टंकी नया स्वीकृत किए मजबूरी को देख करके, एक सुराचट्टी चौक पर स्वीकृत किए, एक लक्ष्मीपुर टोला है वार्ड संख्या 6 में वहाँ स्वीकृत किए, एक 7 नंबर वार्ड में स्वीकृत किए कि ये हम स्वीकृति दे देंगे तो इसके अलावे इसके जरिए सबों को पानी मिलेगा। अभी वर्तमान स्थिति क्या है, पब्लिक को मिल पा रहा है पानी? वर्तमान स्थिति में जहाँ जहाँ हम बताए कि वार्ड संख्या 7 में सबों को पानी नहीं मिल रहा है, वार्ड संख्या 6 में सबों को पानी नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप क्या रणनीति बना रहे हैं? हाँ, इसके लिए रणनीति अभी तो ये PhD को चला गया। हम बार बार पदाधिकारी से हम विनती किए कि हमको पंचायत में एक मिस्त्री दिया जाए,
अच्छा, और भी कई अभी और भी क्षेत्र में समस्याएं हैं, नल जल मतलब जल जमाव को लेकर के हो या फिर कई समस्या आपके पंचायत में है, मैंने घुमा भी आपके पंचायत में, तो क्या कुछ उसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कुछ मांगे हैं? जल जमाव का भीषण संकट है, इसमें समाज भी दोषी है, क्योंकि जल जमाव जल की समस्या से निजात दिलाने के लिए जगह जगह पर पुल बनाया गया, पुलिया बनाया गया, जो भी जल निकासी का जगह था उसको लोग इनक्लोचमेंट कर लिए, इनक्लोचमेंट करते चले गए, जिसके कारण आज जल जमाव का समस्या बहुत भीषण हो गया है। अब हमारे गांव में देख लीजिए सर, हमारे चौक पेठियागाछी चौक है जहां अभी टप्पे होंगे, वहां लगभग लगभग 10-11 कट्ठा का सरकारी जमीन था, बहुत बड़ा सा डबरा भी था जिसमें हमारे समूचे गांव का पानी का उसमें बहाव था, ठीक है, तो उसमें एक आदमी मिल करके उसको भरते 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 पूरी तरीका से उसको भर रहे थे। हमारे यहाँ अमरनाथ गामी जी माननीय विधायक जी थे उस समय, अमरनाथ गामी जी से हम रिक्वेस्ट किए कि सर हमारे दो गांवों का ये ददरबारा जो हरच्चा पंचायत में पड़ता है सिधौली, हम दोनों गांव केवल कागज में, वो हरच्चा में हम सिधौली में, दोनों का गांव एक है, चौक एक है, उठना बैठना एक है, और दोनों गांव के लोगों के पास एक भी दूरा दरवाजा नाम का चीज नहीं है, जिनके पास दूरा दरवाजा था भी तो आपस में डिवाइड होता चला गया। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति है कि उस पर हम यात्री सेट पास करवाए थे, माननीय विधायक जी हमको दे दिए थे, टेंडर भी हो गया था, हम उसका एनओसी भी बना लिए, सड़क से 10 फीट छोड़ करके 50x30 फीट जमीन का हमको एनओसी भी मिल गया। जब एनओसी मिल गया तो माननीय विधायक जी कुछ संकुचित विचार वाले लोगों के बातों में आकर के वैसा जन कल्याणकारी योजना पर से वो अपना फंड वापिस ले लिए। इस बीच में हम मुखिया थे नहीं, जो कोई मुखिया थे या सांसद थे। आप सरकार से क्या आग्रह करना चाहते हैं इस विषय को लेकर? इस विषय को लेकर के हम आग्रह करना चाहते हैं, जो हमारे चौक पर जो 10-11 कट्ठा का जो इतना बड़ा डबरा था जिसमें से हमारे समूचे गांव के पानी का बहाव होता था, उसको इनक्लोचमेंट कर लिया गया है, जिसके कारण हमारे गांव में भीषण जल संकट हो गया है। जिलाधिकारी महोदय का भी आदेश है कि वहां से अतिक्रमण बाद चलाया जाए। और अतिक्रमण सीओ साहब के द्वारा कहीं ना कहीं मतलब जी अंचल अधिकारी महोदय हायाघाट से भी हम प्रार्थना करेंगे, कई बार हम फोन के द्वारा हम उनको सूचित भी किए हैं, जा करके भी किए हैं, आवेदन के माध्यम से भी किए हैं कि सर आ करके आप वस्तु स्थिति को स्वयं देख लीजिए, आपको जैसा उचित लगता है। पदाधिकारी आपको सहयोग करते हैं विकास में? पदाधिकारी महोदय इधर इस बीच में ना जाने क्यों ना क्यों हमको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इधर आ करके हम देखे हैं कि जिलाधिकारी महोदय का काफी सपोर्ट हमको सब दिनों से रहा है, DDC महोदय का सपोर्ट हमको सब दिनों से रहा है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी महोदय आलोक बाबू का सपोर्ट हमको सब दिनों से रहा है, क्योंकि हम जिला में हमेशा रहे हैं तो वो लोग हमारे व्यवहार से परिचित रहे हैं। इधर कुछ जो असामाजिक तत्व के दबंग लोग जो हैं, क्योंकि हम जमीन अधिक अधिग्रहण करना चाहते हैं जन कल्याणकारी योजना को धरातल पर उतारने, आपके यहाँ लगा हुआ है, तो वो लोग जहाँ जहाँ हम जमीन लेना चाहते हैं जन कल्याणकारी योजना को उतारने के लिए, तो सरकार के जमीन को व्यक्तिगत यूज कर रहे हैं, उसमें हम जन कल्याणकारी योजना उतारेंगे, तो वो लोग एक समूह बना लिए हैं, 50-100 का एक संख्या बना लिए हैं, कभी कभी पदाधिकारी महोदय के निकट 50-100 में हुजूम में पहुंच जाते हैं, कभी कभी व्यक्तिगत रूप से पहुंच करके कहते हैं कि वो दिव्यांग मुखिया जो है सो भ्रष्ट है, करप्ट है, चोर है, बेईमान है, पदाधिकारी महोदय को अपने से जांच करने का फुर्सत है नहीं, वो गुमराहित हो जाते हैं और इसमें आकर के वो हमको गलत आदमी समझ करके सपोर्ट नहीं करते रहते हैं। इससे पहले जो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया हायाघाट थी, जो अभी बदल गई हैं, उनके द्वारा हमको काफी सपोर्ट मिला, अभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी महोदय हैं हमारे हायाघाट में, उनके द्वारा भी काफी सपोर्ट हमको मिल रहा है, और अंचल अधिकारी महोदय जो हमसे कुछ रुष्ट हो गए थे, परमात्मा का कृपा हुआ है, इधर 4 NOC हमको एक साथ वो देने जा रहे हैं विकास को लेकर, पंचायत के विकास के लिए, जिसमें सुरहा चट्टी पर हमारे पंचायत का सुरहा चट्टी एक ऐसा जगह है जो ऐतिहासिक जगह है मेरे पंचायत में, लेकिन लहरिया सराय, कुशेश्वर स्थान, रोसरा, समस्तीपुर सबों का एक मिडिल प्वाइंट है जो हमारे पंचायत से, तो वहां पर एक सार्वजनिक शौचालय पहले बना हुआ था, स्नानागार भी बना हुआ था, उसको लोग यूज भी कर रहे थे, लेकिन कुछ दबंग आदमी जिनका हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो पीछे में जमीन लिए और सामने में शौचालय पड़ता था सरकारी जमीन में, उसको नष्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बना लिए, तो आज हमको सुरहा चट्टी पर हमको सामुदायिक भवन के लिए, लाइब्रेरी के लिए और जीविका भवन के लिए और सामुदायिक शौचालय के लिए हमको 4-4 NOC अंचल अधिकारी महोदय, सारा प्रक्रिया हो गया है, फ्राइडे को ही मिल गया रहता,
हमको 8 तारीख को, लेकिन फ्राइडे को किसी कारण से बड़ा बाबू चले गए, अभी शिक्षक वाला कोई ड्यूटी है उसमें, तो हमको बोले हैं कि 12-13 तारीख को हम दे देंगे। तो हम पदाधिकारी महोदय को आभार प्रकट करते हैं जो ये जन कल्याणकारी योजना है, हमको NOC मिल जाएगा। अभी हम आंगनबाड़ी का NOC लिए हुए हैं 5 डिसमिल जमीन का। जिलाधिकारी महोदय हमको उनके द्वितीय अपील में लड़ करके लिए, जिलाधिकारी महोदय खुश होकर के हमको NOC दे दिए। NOC लिया हुआ लगभग हमको, जब हम मुखिया नहीं थे तब ये लिए थे, लेकिन 3 साल का कार्यकाल, लेकिन NOC किया हुआ जमीन में, यहाँ राम जानकी जमीन के जो 4 सेवैत हैं, जो शाहजी हैं, बैजनाथ शाहजी हैं, उमेश शाहजी हैं, वीर बहादुर शाहजी हैं, और ये जित्तू शाहजी के पुत्र शंभू शाहजी हैं, जो राम जानकी में यहाँ स्वर्गीय सोनेलाल शाहजी 3-3 शादी किए थे, तीनों पत्नी से पुत्र अथवा पुत्री प्राप्त नहीं हुआ, तो 9.5 बीघा जमीन राम जानकी में लिख दिए। और 9.5 बीघा जमीन जो लिख दिए राम जानकी में, तो राम जानकी के चारों से वैत इंच करके राम जानकी के जमीन को बांट लिए, और कुछ जमीन को अवैध निबंधन भी करा लिए, अवैध निबंधन करा करके घर मकान बना लिए। और राम जानकी का जमीन 3 सड़क के बीच में है, हथौड़ी मुख्य सड़क, हमारे ग्रामीण सड़क, और बीच में एक सरकारी चन्ना बांध है उसके बीच में, और उस राम जानकी जमीन के आर में आकर तीनों सड़क में जो सरकार का जमीन पर्याप्त है उनको भी वो लोग इंच करके बांट लिए। आज हमारे गांव में नाला बन रहा है, या कोई गरीब आवास विहीन है, या कोई और योजना को, हमको आंगनबाड़ी भवन के लिए NOC मिला हुआ है, उसमें हमको आंगनबाड़ी भवन का जमीन खाली है, लेकिन दबंगता पूर्वक उसमें बनाने देते हैं। चौक पर एक पुराना यात्री शेड बना हुआ था, जो सब दिन से शंभू शाह जी उसको इनक्लोजमेंट करके रखे हुए थे, हमको अंचल अधिकारी महोदय और APM थाना के सहयोग से उसको अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। उसको ग्राम पंचायत से मरम्मती के लिए योजना पारित हुआ था, लेकिन जब मरम्मती के लिए वहाँ सामान उमान गिरा दिया गया तो उसको वो मरम्मती नहीं होने दिए, और उस यात्री सेट को पूरी तरीका से नष्ट करके उस पर अपना अपॉइंटमेंट बना लिए हैं। तो इसी प्रकार से पंचायत सरकार भवन भी है, पंचायत सरकार भवन के लिए हम बहुत जगह जमीन अंचल अधिकारी महोदय को दिए हैं, लेकिन अंचल अधिकारी महोदय उस जमीन को रिफ्यूज करते चले जा रहे हैं, ये जमीन सुटेबल नहीं है, ये जमीन सुटेबल नहीं है, क्योंकि पंचायत सरकार भवन पंचायत के जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। हम उसमें चाहेंगे कि हमारे जनता भी सहयोग करें, हमारे पंचायत के शिक्षित लोग भी मदद करें, विपक्षी भी मदद करें, और पदाधिकारी महोदय से भी हम प्रार्थना करेंगे। 3 साल का कार्यकाल बचा है, 3 सालों में क्या लग रहा है पंचायत में विकास हो पाएगा? अभी WPO अभी हमारे ही वार्ड में बन रहा है, हथौड़ी मुख्य सड़क के किनारे सरकारी जमीन में, जो अर्ध निर्मित पर जब चला गया था तब अंचल अधिकारी महोदय उसको स्टे कर लिए जी, तो स्टे कर लिए। वो हमारा वो WPO पूरी तरीका से बन गया, 1-2% काम रह गया उसको। आज पीछे में जिनका जमीन है, ब्राह्मण देवता सब आकर के अभी काम को ब्रेक कर दिए हैं, जिसके लिए हम अभी अंचल अधिकारी महोदय से और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी महोदय से फोन किए हैं। अभी APM थाना भी आए हैं, वो किस ग्राउंड पर न किस ग्राउंड पर उसको रोक दिए हैं। तो ये सब बात है, हम बहुत सारा विकास किए हैं। अभी जहाँ पर आप चौक से टपे हैं, मनरेगा से भर डार पानी लगता था, वहाँ पर हम इतना ऊंचा करके सड़क बनाए हैं, बहुत सारा काम मेरे रीजन में हुआ है, लेकिन बड़ी संघर्षपूर्ण। हम 2 बार जेल से भी आए हैं हुजूर, हमारे विपक्षी गण झूठ मूठ के क्या क्या अनाप शनाप केस करके हमको जेल भेज दिया गया था। जो विकास करते हैं कहीं ना कहीं विपक्ष पे मतलब उसका रिएक्शन होता है, और आपको कोई ना कोई मुकदमे में फंसा दिया जाता है। जी हुजूर, तो बार ये थे मुखिया थे नागेश्वर दास, जो कि सिंगौली पंचायत के, इन्होंने सारी आप बीती बताया किस तरह से पंचायत में यह विकास करते हैं, तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी इनके विरोधियों पर पड़ता है और कहीं ना कहीं विकास में आरा उत्पन्न हो पा रहा है। सहयोगी रिंटू के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क, दरभंगा।